31 किलो मेकअप लगाती है, क्या हमने कभी कोई सवाल खड़ा किया? क्या हमने पूछा वो इतना मेकअप क्यों थोपती है? अपने गंजे सर को छुपाने के लिए हेयर एक्सटेंशंस और विग का इस्तेमाल करती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? हर 3-4 महीने अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? हर 6 महीने अपना पति बदलती है, हस्बैंड बदलती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? नहीं, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। लेकिन जब कोई पीड़ित महिला पुलिस चौकी जाती है, उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ FIR दर्ज कराने या शिकायत दर्ज करने, तो उसे दिक्कत होती है, उसकी जलने लगती है। तो क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए? बर्नौल भेजा जाए उसके घर पर? हद है, इनफ इज इनफ। पता है हम सबको कि राखी सावंत दुनिया की नंबर 1 अटेंशन सीकर है, इस बात में कोई दोराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अगर हम इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस चौकी ना जाएं तो कहाँ जाएं? हाँ, राखी सावंत के घर जाएं, उससे ये निवेदन करें कि वो हमें इंसाफ दिलाए? शर्म आनी चाहिए उसे, एक महिला होते हुए पीड़ित महिलाओं के प्रति वो सहानुभूति नहीं दिखा सकती है? हाँ, महिला है ना, है कि नहीं? या इस पर भी सवाल पैदा हो सकता है। अजीब बात है ये, क्या ये लोग राखी सावंत के समर्थक हैं? मैंने कुछ मीडिया वालों के ज़रिए ये जाना है कि राखी सावंत को बहुत दिक्कत हो रही है मुझसे और मेरे पुलिस चौकी पर जाकर उनके भाई मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पीड़ित महिला पुलिस चौकी पर जाकर अपने मोलेस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है, तो क्या इससे किसी और को आपत्ति होनी चाहिए या नहीं? हाँ, मोलेस्टर के ख़ानदान वालों को, मोलेस्टर के करीबी दोस्तों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या यह गलत है? गलत है क्या? हाँ, अगर हम इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस चौकी ना जाएं तो कहाँ जाएं? हाँ, राखी सावंत के घर जाएं, उससे ये निवेदन करें कि वो हमें इंसाफ दिलाए? शर्म आनी चाहिए उसे, एक महिला होते हुए पीड़ित महिलाओं के प्रति वो सहानुभूति नहीं दिखा सकती है? हाँ, महिला है ना, है कि नहीं? या इस पर भी सवाल पैदा हो सकता है। अजीब बात है ये, अरे वो 31 किलो मेकअप लगाती है, क्या हमने कभी कोई सवाल खड़ा किया? क्या हमने पूछा वो इतना मेकअप क्यों थोपती है? अपने गंजे सर को छुपाने के लिए हेयर एक्सटेंशंस और विग का इस्तेमाल करती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? हर 3-4 महीने अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? हर 6 महीने अपना पति बदलती है, हस्बैंड बदलती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? नहीं, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। लेकिन जब कोई पीड़ित महिला पुलिस चौकी जाती है, उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ FIR दर्ज कराने या शिकायत दर्ज करने, तो उसे दिक्कत होती है, उसकी जलने लगती है। तो क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए? बर्नौल भेजा जाए उसके घर पर? हद है, इनफ इज इनफ। पता है हम सबको कि राखी सावंत दुनिया की नंबर 1 अटेंशन सीकर है, इस बात में कोई दोराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एक लिमिट होती है। अरे अगर हम पुलिस के पास न जाएं तो किसके पास जाएं अपनी शिकायत लेकर? और बात यहाँ पर सिर्फ शेरलिन चोपड़ा की नहीं हो रही है, बात उन तमाम पीड़ित महिलाओं की हो रही है जिन्होंने हिम्मत करके मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया, अपना अनुभव साझा किया। उनके नाम पता है ना आपको? सलोनी चोपड़ा, सिमरन सूरी,
रेचल वाइट, मंदना करीमी, अहाना कुमरा, करिश्मा उपाध्याय, जिया खान, डिंपल पॉल, रानी चैटर्जी, कनिष्का सोनी, ये कुछ नाम है जो मैं आपको सुना रही हूँ। ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने डर के मारे, शर्मिंदगी की वजह से सामने आकर अपना अनुभव साझा नहीं कर पाए। तो राखी सावंत को समझना चाहिए कि बात यहाँ पर सिर्फ शैलेन चोपड़ा की नहीं हो रही है। वो कहती है, अरे शैलेन चोपड़ा तो जिस्म की नुमाइश करती है। तो बहन आप क्या करते हो, चर्बी की नुमाइश करते हो ना। अरे शैलेन चोपड़ा तो अंग प्रदर्शन करती है। तो आप क्या करते हो, बदसूरती का प्रदर्शन करते हो। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि अगर कोई महिला अंग प्रदर्शन करती है तो इसका मतलब वो रजामंद है। बिल्कुल नहीं। जिस्म नुमाइश करना रजामंद होना बिल्कुल नहीं है, उसको समझना चाहिए। न्यूडिटी डज नॉट टैंटामाउंट टू कंसेंट। लेकिन नहीं, दिमाग से पैदल है वो औरत, समझती नहीं है। अरे हर आए दिन शैलेन चोपड़ा पुलिस चौकी जाती है, हाँ, यौन शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। हर 3-4 महीने आप अपने बॉयफ्रेंड्स नहीं बदलते, हमने कभी कुछ बोला। चुप रहते हैं हम ये सोच कर कि आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्जी चलनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। लेकिन हम जब इंसाफ की गुहार लगाने जाते हैं आप हम पर चढ़ जाते हैं। क्यों? आप कह रहे हैं कि आपके भाई साहब मी टू आरोपी साजिद खान निर्दोष हैं, बेकसूर हैं। तो फिर जांच पड़ताल होने दो ना, दिक्कत क्या है। जांच पड़ताल होने दो, कानूनी कार्रवाई होने दो। लेकिन नहीं, ये ऐसी है वो वैसी है, ये अपना जिस्म दिखाती है। अरे भाई मैं आप सबसे पूछती हूँ, अगर कोई महिला अपना जिस्म दिखाती है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो रजामंद है? इसका मतलब ये है कि उसके साथ बलात्कार किया जाए? क्या इसका ये मतलब निकलता है? दिखाइए आप, वहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, वो सर ऐसे करके बोल रहे हैं, नहीं इसका ये मतलब नहीं निकलता है। बेवकूफ, नालायक, छिजोरी है वो, एक नंबर की। अरे अटेंशन के लिए और भी कई तरीके होते हैं अटेंशन पाने के लिए।